सुप्रभात बच्चों, क्लास 9th में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग व्याकरण की के बारे में जाने थे कुछ कुछ, और क्लास 9th में व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है सबसे पहले हमें इसे जानना बहुत ज़रूरी है। वर्ण, सबसे पहले हमें वर्ण के बारे में जानना है, स्वर व्यंजन के बारे में जानना है, और तब हम वर्ण विच्छेद करना सीखेंगे। तो हमें वर्ण विच्छेद पढ़ना है, उपसर्ग प्रत्यय पढ़ना है, नुक्ता पढ़ना है, अनुस्वार अनुनासिक पढ़ना है, वाक्य के भेद पढ़ने हैं, संधि भी सेकंड टर्म में संधि पढ़ना है, और अशुद्धि शोधन पढ़ना है। वैसे तो हम 4 और 5 से ही वर्ण के बारे में जानना शुरू कर देते हैं। वर्ण किसे कहते हैं, 8 में हम लोग व्याकरण पढ़ते हैं। तो आइए हम 9th में पुनः उसे दोहराते हैं कि भाई वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, ठीक है। अब हम लोग इसे समझेंगे, हमने लिखा है, इसे आप देखें और इसे समझें। और एक बात मैं और बताना चाहती हूँ कि आप एक कॉपी बनाएंगे, उस कॉपी में जो भी व्याकरण की पढ़ाई हो रही है या जो भी आप पाठ पढ़े हैं उसके पीछे जो भी भाषा अध्ययन है, उस भाषा अध्ययन में जो व्याकरण आता है उसे आपको बनाते रहना है, क्योंकि उसी से व्याकरण आता है, ठीक है ना। अलग से नहीं आता है, उसमें जो भी व्याकरण का पोर्शन दिया हुआ है, जो भी व्याकरण दिया हुआ है उसे आपको बना लेना है। तो वर्ण विच्छेद तो हमेशा से ही आप करते आए हैं, कहीं कहीं अशुद्धियाँ हो जाती हैं, कोई कंफ्यूजन होता है तो हम उसे दूर करेंगे, ठीक है ना। अब हम इसे सीखेंगे। अब हम वर्ण की परिभाषा एक बार ठीक से समझते हैं, ठीक है ना। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। सबसे छोटी इकाई से आशय है जिनके टुकड़े ना हो सके, जैसे अ ई क फ ग कुछ भी हम कह सकते हैं, ठीक है ना। जिस सबसे पहले आप याद रखेंगे इसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। इसके 3 भेद हैं, ठीक है, स्वर व्यंजन अयोगवा। अयोगवा में अनुस्वार और विसर्ग जो है इसे अयोगवा कहते हैं। तो हम जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो इन सब की जानकारी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब आइए हम स्वर देखते हैं कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक होता है, ठीक है ना। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक होता है, और इसमें और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं। स्वर के उच्चारण में हम किसी की सहायता नहीं लेते हैं, इसका हम उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक करते हैं, ठीक है ना। और ये किसकी सहायता करते हैं, तो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं। हम इसके सहायता से हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं और हलन देके हम इसको अलग करते हैं। अब हिंदी में कितने स्वर हैं, तो 11 स्वर हैं, ठीक है। कौन कौन से, अ आ ई ई उ ऊ री ए ऐ ओ ओ। ध्यान से जब भी आपसे पूछा जाए कि स्वर कितने हैं तो आपको बताना है, अ आ ई ई उ ऊ री ए ऐ ओ ओ, ठीक है। ये 11 स्वर है जिसे आपको कंठस्थ रखना है। कोई भी पूछे तो आप कह सकते हैं कि जिसका हम स्वतंत्रता पूर्वक उच्चारण करते हैं, जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं, उसे हम
स्वर कहते हैं और स्वर 11 होते हैं। ये आपको कंठस्थ कर लेना है और कॉपी में इसको बिल्कुल अच्छे से उतार लेना है ताकि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए। अब आते हैं हम व्यंजन की ओर। व्यंजन किसे कहते हैं? तो व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते। अब व्यंजन को बोलने में हमें स्वर की सहायता लेनी ही पड़ती है, समझ गए ना। व्यंजन कितने होते हैं? तो 33 होते हैं। जब भी हम व्यंजन बोलेंगे तो उसमें हम स्वर की सहायता लेते ही हैं। जैसे आप यहाँ देखें, क हलन दे दिया हमने, जोर अ, ये स्वर हो गया, ठीक है, तब हम क बोले, ठीक है। तो इसमें हमने स्वर की सहायता ली तब ये क कहेंगे, नहीं तो अगर स्वर की सहायता नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, क। तो जब स्वर की सहायता लेंगे तब वो क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ळ, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, इसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स, ह, और फिर छ त्र ज्ञ स्र, हिंदी में संयुक्त व्यंजन है, ये चार हैं। जिसको लिखते हैं कैसे, क में हलंत स जोड़ छ, त में हलंत र जोड़ त्र, ज में ज जोड़िय जोड़ अ ज्ञ, श में हलंत जोड़ र अ स्र। तो जब भी हम क्षमा लिखना है, जैसे यहाँ क्षमा लिखना है, इसका हम आगे देखेंगे कि कैसे इसका वर्ण विच्छेद हम करते हैं। क्षमा में छ पूरा नहीं होगा, क्षमा को तोड़ेंगे, छ कैसे लिखा जाता है, तो क जोड़ स, ठीक है, जोड़ अ, तब ये छ हुआ, तब म जोड़ आ, ये हुआ क्षमा। तो संयुक्त व्यंजन को हमें तोड़ के तब उसका विच्छेद करना है, ये आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। बच्चे अक्सर इसकी गलती करते हैं, ठीक है। ये हो गया संयुक्त व्यंजन। तो आप ध्यान में रखेंगे संयुक्त व्यंजन कैसे लिखते हैं और संयुक्त व्यंजन से कैसे हम लोग उसका विच्छेद करते हैं। समझ गए हम लोग कि भाई कैसे करते हैं। अब वर्ण विच्छेद देखें, तो वर्ण विच्छेद में करना क्या रहता है भाई? तो इस प्रक्रिया में सबसे अच्छी बात सुन लीजिए कि इस प्रक्रिया में हम स्वर और व्यंजन को अलग करते हैं या सभी वर्णों को अलग अलग करके लिखते हैं, ठीक है ना। वर्ण विच्छेद में क्या हो, कोई पूछे आपसे तो आप क्या कहेंगे कि वर्ण विच्छेद में हम स्वर और व्यंजन को अलग करते हैं, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। या कहेंगे कि सभी वर्णों को हम अलग अलग करके लिखेंगे, तो कैसे अब वर्ण विच्छेद आप करेंगे कैसे भाई? तो जैसे कमल है, कमल, ठीक है ना, तो ये व्यंजन है। व्यंजन में क्या कहा गया है कि व्यंजन में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है व्यंजन वर्ण में। जैसे क में हलंत लगा के अ लिखा गया तब ये क बना, क म में हलंत अ म बना, ल में हलंत अ, तब ये हो गया कमल। वैसे ही भारत, भ में हलंत भ, आ र में हलंत र अ त अ, भारत, ठीक है ना। वैसे ही कक्षा, क ये अ, क्योंकि क में हलंत लगा रहे हैं तो आधा क हुआ, अ लगाया, जब स्वर हमने लगाया तब ये क बना। कक्षा लिखना है, छ को हम तोड़ेंगे, संयुक्ताक्षर है छ, तो क में हलंत और मूर्धन्य स त आ, तब ये कक्षा बना, ठीक है। वैसे ही व्यंजन है, तो व जोड़ य दोनों संयुक्त व्यंजन है, तो दोनों को हमने दोनों में हलंत लगा के व्यन लिखा, और अनुस्वार जो है इसको ऐसे व्यन, अ जो आ रहा है उस पर अनुस्वार है,
तो व में हलंत, य में हलंत और अ में के ऊपर अनुस्वार। फिर ज जोड़ अ, ज में हलंत, फिर अ, फिर न में हलंत, फिर अ। ठीक है, तो ये हो गया व्यंजन। तो हम साधारण से शब्दों को कैसे अलग करते हैं, ठीक है, संयुक्ताक्षर को कैसे अलग कर रहे हैं, और व्यंजन जो वर्ण है, व्यंजन जो एक शब्द है उसमें जो अनुस्वार होता है उसे हम कैसे अलग कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं जिनका हमें वर्ण विच्छेद करके उसे लिखना है, उसे समझना है, और कहीं भी परेशानी हो तो उसको पूछना है। तो सबसे पहले हम वर्ण किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, और स्वर और व्यंजन कितने होते हैं ये कंठस्थ कर लेना है, उसको कॉपी में लिखना है, और तब फिर हम संयुक्ताक्षर जानेंगे। संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं, जब तक संयुक्ताक्षर के का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम वर्ण विच्छेद नहीं कर सकते हैं। उसके बाद तब हम वर्ण विच्छेद करेंगे। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं, आप समझ गए कि इस प्रक्रिया में हम स्वर और व्यंजन को अलग करते हैं या सभी वर्णों को अलग अलग करके लिखते हैं। तो इस प्रकार और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो मैं आपको दूंगी, वो आप अपनी कॉपी में बनाएंगे। ठीक है, आप अच्छी तरह समझ गए हैं, कहीं परेशानी होगी वर्ण विच्छेद में तो आप पूछेंगे। अगले क्लास में हम लोग दूसरा कोई भी व्याकरण का पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद।